दोस्तों YouTube में ये सर्च कीजिएगा नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ठीक उसका बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जब भी मेरा वीडियो देखते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा जिसे आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज आपको हम बताने वाले हैं क्या हम ट्रांसफार्मर के द्वारा सिंगल फेज से थ्री फेज बना सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों रिसर्च करके देखेंगे क्या हम लोग ट्रांसफार्मर के द्वारा सिंगल फेज से थ्री फेज बना सकते हैं। दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको ठीक बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं एक या दो वीडियो रोज अपलोड करता हूँ उन वीडियो की न्यूनतम टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। दोस्तों देरी ना करते हुए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेलकम फ्रेंड देख रहे हैं आप, हम इसमें दो ट्रांसफार्मर लेके हम लोग सिंगल फेज को थ्री फेज बना रहे हैं। ये थ्री फेज बनेगा कि नहीं बनेगा हम लोग इसमें पता करेंगे इसको देख के। दोस्तों देख रहे हैं आप, इसमें इसकी बीच की जो सेंटर टेपिंग है उसमें एक कनेक्शन कर दिए हैं यहाँ पे, और एक ट्रांसफार्मर की इसकी सप्लाई यहाँ ले गई है। ये जीरो ट्रांसफार्मर 12012 है और ये 024 है, तो मुझे दो ट्रांसफार्मर मिल गया। तो मैं इसका दोस्तों कितना वोल्टेज हो रहा है देखिए, यहाँ पे 16 वोल्ट हो रहा है और यहाँ पे ये भी 16 वोल्ट हो रहा है, ठीक है। और इसकी जो वायर है एक वाली और यहाँ पे ये हो रहा है 29 वोल्टेज, यानी कि तीनों में वोल्टेज आप मिल रहे हैं, लेकिन हमें पता करनी है कि यहाँ से और यहाँ पे जो वोल्टेज है इसकी डबल होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज है 16 वोल्ट और यहाँ पे ये 16 वोल्ट, यानी कि दोनों मिला के 32 वोल्ट हो जाएंगे। देखिए मैं निकाल दे रहा हूँ यहाँ पे, आप यहाँ पे मैंने ये कनेक्ट कर ली और यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ 28 वोल्ट आ रहा है, यानी कि 24 वोल्ट की ट्रांसफार्मर 28 वोल्ट आ रही है। अब इसमें जो 12 वोल्ट है वो प्लस होना चाहिए इसमें, देखिए हम इसमें लगा रहे हैं, देखिए वोल्टेज घट जा रहा है, इसकी वोल्टेज उल्टी घट जा रही है। जो इसमें वोल्ट 24 वोल्ट हो रहा है तो 24 वोल्ट में और 12 प्लस होगा अप्रोक्सीमेटली 36 वोल्ट एबव जानी चाहिए, लेकिन वोल्टेज यहाँ पे घट जा रहा है और यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं तो वोल्टेज ये बढ़ जा रहा है। एक्चुअली ये वोल्टेज सही है, इसी हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे घट जा रहा है। ये क्यों घट जा रहा है मैं इसमें बताऊँगा आपको कि इस स्टेपिंग में वोल्टेज घट जा रहा है, इस स्टेपिंग में वोल्टेज बढ़ जा रहा है। तो घटने का मैंने डायरेक्शन के हिसाब से ये जा रही है और इसकी डायरेक्शन उल्टा हो जा रही है, बोल के ये वोल्टेज माइनस में आ जा रही है। दोस्तों मैं इसको आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। ये ट्रांसफार्मर, दो ट्रांसफार्मर हम ले रहे हैं, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज जो जा रही है, ठीक है, ऐसे करते हुए जा रही है, मतलब डायरेक्शन उसकी ये है, और हम लोग यहाँ वाइंडिंग लपेट रहे हैं, ठीक है, वाइंडिंग यहाँ पे लपेट रहे हैं और इसकी जो सप्लाई जा रही है इस डायरेक्शन में जा रही है, देख रहे हैं आप, इस डायरेक्शन में जा रही है। और एक ट्रांसफार्मर और हम लोग ले लिए, इसकी डायरेक्शन ये वाली है और इसकी डायरेक्शन जो है ट्रांसफार्मर और ले लिए, इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो दो तार ले लिए हम लोग, यहाँ पे सप्लाई दे दिए दोनों में सिंगल फेज से, हम लोग क्या क्या कनेक्ट कर दिए, यहाँ सिंगल फेज से 220 वोल्ट है कनेक्ट कर दिए। और यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, तो इसमें क्या है, सपोज मान लीजिए हम अगर 220 वोल्ट की इसमें वाइंडिंग कर रहे हैं हम, या 220 वोल्ट की वाइंडिंग कर रहे हैं और यहाँ 220 वोल्ट की वाइंडिंग कर रहे हैं, तो अगर यहाँ से यहाँ हम लोग मापेंगे तो ये निकल जाएगा टोटल 440 वोल्ट, ठीक है। लेकिन सपोज हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से एक ज्वाइंट कर दिए हैं कनेक्शन, यहाँ से यहाँ ज्वाइंट कर दिए और यहाँ से अगर यहाँ वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो क्या होगी, ये 220 वोल्ट प्लस 220 वोल्टेज बराबर हो जाएगी 440 वोल्ट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 440 वोल्टेज दिखाएगा, ए से ए 440 दिखाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर यहाँ तक जोड़ा हुआ है और यहाँ से 220 प्लस 220 440 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से अगर यहाँ चेक करेंगे तो वोल्टेज कितनी आएगी, क्योंकि डायरेक्शन तो ये यहाँ से जा रही है और डायरेक्शन होते हुए यहाँ निकल रही है, लेकिन ये हो गया डायरेक्शन उल्टा,
क्योंकि ये वोल्टेज का करंट जो है इस साइड में फ्लो हो रहा है, तो इसमें प्लस करेंगे तो आप मान लीजिए 220 वोल्ट माइनस 220 वोल्ट हो जाएगा ये, तो बराबर कितनी हो जाएगी, जीरो वोल्टेज। यहाँ पे ये जीरो वोल्टेज आ जाएगा क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर की जो है डायरेक्शन इस साइड में दौड़ रही है दोस्तों, और आप इसमें जोड़ देंगे आप तो यहाँ से यहाँ वोल्टेज जो है इसकी जीरो वोल्ट हो जाएगी। तो आप 440 सिंगल फेज से 440 तो बना सकते हैं, 440 100% हो जाएगी, लेकिन थ्री फेज में नहीं हो पाएगी क्योंकि थ्री फेज की जो है यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जा रही है। इसको बनाने के लिए जो कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस के थ्रू बना सकते हैं, ज़रा हम लोग 440 बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं हो पाएगी क्योंकि ये जो कि डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो जा रही है, इसलिए ये बन नहीं पाएगी। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो जरूर लाइक कर दीजिए दोस्तों, में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।